चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस समेत 7 दलों ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में कांग्रेस के साथ सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और मुस्लिम लीग के नेता नायडू से मिले। विपक्ष ने महाभियोग के लिए जरूरी सांसदों के दस्तखत वाला प्रस्ताव उपराष्ट्रपति को सौंपा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग मामले में कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों पर हमला बोला है। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी महाभियोग का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाभियोग के जरिए ऑफिस होल्डर को हटाया जा सकता है, लेकिन पद की गरिमा फिर भी रहनी चाहिए। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर सीएम चंद्रबाबू नायडू भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। शुक्रवार को उनका जन्मदिन भी है। उन्होंने कहा कि राज्य की परेशानियों और केंद्र की नीतियों को लेकर की जा रही उनकी हड़ताल शाम तक रहेगी। गुजरात हाईकोर्ट ने साल 2002 में हुए नरोदा पाटिया दंगा मामले में पूर्व मंत्री माया कोडनानी को बरी कर दिया है। एसआईटी की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 28 साल की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने 16 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है, जबकि बाबू बजरंगी समेत 12 दोषियों को सजा बरकरार रखी है। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को रिम्स और एम्स की रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 4 मई को होगी। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि राज्य में उग्रवाद फिर से सिर उठा रहा है, इससे वहां शांति और स्थिरता को खतरा पैदा हो गया है। पिछले 1.5 महीने से लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। इस स्थिति से समय रहते निपटने के लिए व्यापक रणनीति बनाने की जरूरत है। पेट्रोल के दाम दिल्ली में 55 महीने के उच्च स्तर पर बने हुए हैं। शुक्रवार को ही पेट्रोल की कीमतों में 1 और डीजल में 4 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल 76.08 रुपए में तो मुंबई में करीब 82 रुपए में मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड के दाम बढ़ने से तेल कीमतों में 16 अप्रैल से तेजी बनी हुई है। अब सिर्फ महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में पैदा होने वाले आम को ही हापुस आम कहा जाएगा। अपनी बेहतरीन गुणवत्ता और स्वाद के कारण आम की ये प्रजाति देश और विदेश में महंगे दाम में बिकती है। ये फैसला मुंबई में जियोलॉजिकल इंडिकेटर रजिस्ट्रार ने गुरुवार को कोंकण के आम व्यापारियों और कृषि अनुसंधान संस्थानों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद लिया। शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी बैठक के ब्यौरे से ब्याज दरें बढ़ने के संकेत मिले हैं। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 12 अंक गिरकर 34,415 और निफ्टी 1 अंक की गिरावट के साथ 10,564 के स्तर पर बंद हुआ। पाकिस्तानी सिंगर मीशा शफी ने एक्टर अली जफर पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट कर लिखा है कि अली जफर ने उनका कई बार यौन शोषण किया है।